हेलो गाइस, सो वेलकम टू YTDA। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ में का मार्केट रहेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पे देना है और क्या टारगेट बनता है, सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और कितना दूर आपको अप्रोच करना चाहिए। बुल अगर मार्केट बुलिश भी होता है, मार्केट अगर बेरिश भी होता है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो आप एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी में, निफ्टी के चार्ट पे ऑलरेडी मैं हूँ, तो यहाँ पर आपका जो सपोर्ट, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 16,800। तो 16,800 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 17,100 जो है, 17,100 आपका रेजिस्टेंस बनता है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस आप देखते हैं अगर, तो 17,100 रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर 17,100, लेकिन आप अगर OI देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली बनता है 17,200 पे। तो ये दोनों अभी आपका रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 17,100, उसके बाद 17,200 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। तो अभी जो मार्केट अगर नीचे आता है, तो मार्केट नीचे इसीलिए मतलब पॉसिबिलिटीज है ज़्यादा कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, अगर लास्ट कुछ दिन आप देखेंगे तो उसमें आपको यही पैटर्न दिखेगा कि जब मार्केट 50 MA के ऊपर जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो है, जब भी मार्केट 50 MA के ऊपर जा रहा है तो वहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो आप पूरा इसमें देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर 50 MA के ऊपर गया, यहाँ पर गया, तो जब भी मार्केट 50 MA को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है तो वहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी अगर जब ब्रेक कर रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन आपको दिखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अभी जो बन रहा है एक्चुअली, तो उसमें फिर से जैसे मार्केट ऑलरेडी 50 MA को ब्रेक कर दिया है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट फिर से एक रिजेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिया तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कि मार्केट डिसाइसिवली इसको अगर ब्रेक कर जाता है तो सही है। तो उसमें क्या है, आपको यहाँ पर अगर आपको दिखता है एक कैंडल, तो उसके बाद जो फॉलो अप कैंडल है, उस फॉलो अप कैंडल पे आपको एंट्री बनेगा। और 50 MA जो आपको दिख रहा है, तो 50 MA के जो मार्क है वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो उसके हिसाब से आप एटलीस्ट 17,200 जो है वहाँ तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट में फिर से एक अच्छा मोमेंटम आपको दिख रहा है, मतलब इसको भी ब्रेक कर जाता है, तो आपका पॉसिबिलिटीज यही बन रहा है कि 17,300 तक मार्केट जाए। लेकिन 17,300 को ब्रेक करना नामुमकिन है अभी, क्योंकि आप अगर OI पे जाएंगे तो OI पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको वहाँ पर दिखेगा। तो एक बार आप देख लीजिए कि जो OI का बिल्डअप है अभी, तो OI पे आपको दिख जाएगा 17,100 पे, आपको 17,000 पे दिखेगा 59,33, 100 पे आपको दिखेगा अभी 33,22। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रोमिनेंट आपको एक बिल्डअप दिखेगा, जो 300 पे आप दिख रहे हैं कि 7 लाख और 50 लाख। तो उसके हिसाब से आप मतलब इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा साइड अभी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है। तो मतलब अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से भी जाएंगे तो यहाँ पर मार्केट में फिर से रिजेक्शन मार्केट दे सकता है यहाँ से। और अगर OI के हिसाब से भी जाएंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 17,100 दिखेगा, उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है इसको, तो आपको 17,200 को आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काउंट करना है। तो उसके हिसाब से आपका ऊपर का जो टारगेट बनता है वो है 17,100, उसके बाद 200, दोनों एक आपका टारगेट बनता है। मतलब अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए गैप अप कुछ हो जाता है तो मार्केट मान लीजिए 200 के ऊपर खुल गया, तो उसके हिसाब से आपका 17,300 का जो है मार्क है उसको आपको एज अ फर्स्ट टारगेट आपको मानना है। तो अभी अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर आया और वहाँ से रिजेक्शन मार्केट में आपको दिखा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, तो उसके हिसाब से मार्केट डायरेक्टली फिर से फॉल कर सकता है। और कितना दूर, एटलीस्ट ये जो लेवल आपको दिख रहा है तो वहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है। तो उसके हिसाब से आपका क्या टारगेट बनेगा यहाँ पे, मतलब 16,900 एक टारगेट बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपका बनता है ये वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 16,800। तो नीचे का जो टारगेट बनेगा यहाँ पर, T1 आपका बन जाएगा यहाँ पे, टारगेट वन आपका बन जाएगा 16,900, 16,900 आपका टारगेट वन, और टारगेट टू आपका जो बन जाएगा वो है 16,800। तो ये दोनों आपका टारगेट बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।